मुजफ्फरनगर का इस क्षेत्र का अपना एक मिजाज है, अपना एक इतिहास है। बड़े बड़े बादशाहों को रास्ता बदलने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया, अपने इतिहास को नहीं भुला सकते। बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत आपने यहाँ से की, और जब जब लोकदल का कोई आंदोलन हुआ, जब जब उसकी अगुवाई या चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे या चौधरी अजीत सिंह जी ने करी, बड़ी बड़ी पंचायतें यहाँ हुई, हमने कभी भी हिंसक नहीं होने दिया। ये नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, नेता का दिल बड़ा होना चाहिए। आज इस सूबे की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जो किसान को देखते ही खौफ डर जाते हैं। वे चाहते हैं कि क्षेत्र का किसान उठ ना पाए, वे संगठित ना हो पाए। योगी जी, आपको याद होगा केरला के चुनाव में मैंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी लड़के बता देंगे क्या बात थी। बाबा जी, मेरी आपसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और वो जो तोड़ मोड़ की बात थी उसके पीछे भी उद्देश्य था। वहां पूरब में घटना हुई थी, और आप वहां जनता को जाके जो पीड़ित लोग थे उनको उल्टा धमका रहे थे ऐसे उंगली चलाकर। इसलिए मैंने उस आवेश में आकर, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है, यहाँ के लोग बहुत सहन कर लेंगे लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकते। तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां गए, उनके साथ बदतमीजी वसूली की गई। समाजवादी पार्टी के नेता गए, वहां गुंडों को तैयार करके उन पर पथराव करा गया, और जो मेरे साथ हुआ वो तो देख लिया आपने। और वह आदमी जिसको धर्म का इतना ज्ञान हो, जिन्होंने वेद पढ़े हो, उन्हें ये नहीं मालूम कि रात के अंधेरे में चिता को आग लगाना कितना बड़ा पाप है। योगी जी को सारा मालूम है। ये सब इसलिए किया गया, रफा दफा किया गया, क्योंकि वह चाहते हैं कि दबाया जाए। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज देश किधर जा रहा है? आज देश को नफरतों के नाम पर बांट करके सत्ता की कुंजी हासिल करने वाले लोग किस प्रकार से निरंकुशता के साथ राहुल जी के ऊपर हमला होता है, प्रियंका जी पर हमला होता है, जयंत चौधरी साहब के ऊपर सीधे लाठी मारी जाती है। क्या हमारा खून खौलने का काम नहीं करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मारना है तो अपनी लाठी लेकर के खुद मार लो। ये योगी की पुलिस से पिटवाने का काम आप क्यों कर रहे हो दोस्तों? देश के अंदर जिस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न होने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से देश के अंदर ये बिल ला करके किसानों को निचोड़ने का काम किया गया, खेती से संबंध रखने वाले हर उस किसान की पीठ पे लगी, जिस किसान ने इस देश का पेट भरने का काम किया है। देश के अन्नदाता के साथ अगर कोई इस तरह की बदसुलूकी करेगा तो फिर साथियों, इस सरकार का कैसे पतन हो, कैसे यह सरकार केंद्र से सत्ता से बाहर जाए। मास तुम्हारी ड्यूटी से मतलब नहीं है, मास तो लगा के ही रखे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।